नमस्कार दोस्तों, टेक विद सुभाष के एक न्यू फ्रेश वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये एडसेंस के दो टाइप जो होते हैं अकाउंट के, वो क्या होते हैं, यानी नॉन होस्टेड और होस्टेड, ये इनमें फर्क क्या है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नॉन होस्टेड और होस्टेड में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि होस्टेड अकाउंट उन जो है वो प्लेटफॉर्म पर हमें मिलता है जो गूगल की तरफ से स्पेशली लॉन्च हो जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, एडमो हो गया और ब्लॉगर हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ब्लॉगर पर तो जो है वो हमें अलग तरीके का जॉब मिलता है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप जो ब्लॉगर पर सब डोमेन जो ब्लॉगर blogspot.com हमें जो सब डोमेन मिलता है ब्लॉगर का, उस पर अप्लाई करते हो और उस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो होस्टेड अकाउंट ही होगा, ना कि जो नॉन होस्टेड। अब यूट्यूब का जो होता है, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उनका जो अकाउंट होता है एडसेंस का, और उसका टाइप जो होता है होस्टेड अकाउंट होता है। यानी कि यूट्यूब के यूट्यूब ब्लॉगर और एडमो ये दो गूगल के प्रोडक्ट है, यानी कि गूगल के प्रोडक्ट पर अगर आपने जो एडसेंस का अप्रूवल लिया है तो वो होस्टेड अकाउंट होगा। तो अब बात कर लेते हैं नॉन होस्टेड अकाउंट क्या है। तो नॉन होस्टेड अकाउंट आप अपनी प्रॉपर्टी पर ले सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि वेबसाइट, वर्डप्रेस पर हो या फिर ब्लॉगर पर हो, कुछ भी हो, आप उस पर जो है एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। ब्लॉगर पर लेने के लिए सब सिंपली आपको जो है वो अलग से कस्टम डोमेन ऐड करना होगा, जैसे कि गोडेडी से मैंने आपको बताया था कि गोडेडी से कैसे खरीदोगे और कस्टम डोमेन को कैसे ऐड करोगे, इस तरीके की अगर आप लेते हो तो वो आपका जो फुल्ली अप्रूव, यानी कि जो नॉन होस्टेड होता है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन होस्टेड और होस्टेड में फर्क क्या है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि होस्टेड अकाउंट और नॉन होस्टेड अकाउंट में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि गूगल के जो प्रोडक्ट है उन पे अगर हमने जो है वो एडसेंस का अप्रूवल लिया होता है तो वो होस्टेड अकाउंट होता है, और होस्टेड अकाउंट की कुछ लिमिट होती है। लिमिट ये होती है कि होस्टेड अकाउंट से आप जो है वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो दिखा सकते हो जिस पे आपने एडसेंस का अप्रूवल लिया है, ऐड दिखा सकते हो, जो बाकी जो आप नहीं दिखा सकते। इसके जो है विपरीत आप बात करो कि नॉन होस्टेड यानी फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस, वहां से आप किसी भी पर्टिकुलर, आपको ये लगे कि मुझे इस वेबसाइट पर मुझे अपने ऐड दिखाने हैं तो आप उसको जो है ऐड दिखा सकते हो, लेकिन नॉन होस्टेड अकाउंट में ये नहीं है, जिस पे आपको अप्रूवल मिला है उसी पे आप ऐड दिखा सकते हो, बाकी जो है वो जगह पर आप अपने ऐड नहीं दिखा सकते। लेकिन फुल्ली अप्रूव यानी कि नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट है, वहां से आप जो कहीं पर भी ऐड दिखा सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलरली आपको जो अपने एडसेंस में जाना होगा और माइट साइड में जाकर कोई भी साइड ऐड कर देनी होगी जिस पे आप ऐड से दिखाना चाहते हो, यानी कि वेरीफाई करना होगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आए बटन पर क्लिक कर लीजिए, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कैसे आप एडसेंस में दूसरी साइड को वेरीफाई करोगे और अपने ऐड शो करवाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया कि नॉन होस्टेड अकाउंट और होस्टेड अकाउंट में क्या फर्क है, कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि ये जो एडसेंस का नॉन होस्टेड अकाउंट होता है, फुली अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट होता है, यही अच्छा रहता है, क्योंकि हम इसमें हमें जो ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है कि कहीं पर भी हम अपने ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि कोई भी साइट वेरीफाई कर सकते हैं अपने एडसेंस में। और यहां पर गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के ये भी डाउट है कि नॉन होस्टेड अकाउंट और होस्टेड अकाउंट में इनकम का फर्क होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता है। जो इनकम आप एडसेंस में कर सकते हो यानी कि नॉन होस्टेड अकाउंट में कर सकते हो, वही आप जो हो एडसेंस के जो होस्टेड अकाउंट है उसमें कर सकते हो, लेकिन उसमें जो वो इनकम करने का जो सीमित कर देता है होस्टेड अकाउंट में, यानी कि आपको यूट्यूब के लिए मिला है तो आप यूट्यूब पर ही इनकम कर सकते हो। लेकिन उसके विपरीत अगर बात करें कि नॉन होस्टेड अकाउंट यानी फुली अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट, वहां पर आपको बेसिकली और भी फंक्शन मिल जाते हैं, जिसकी बहुत सारी साइटों पर आप ऐड लगा सकते हो जिससे हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो एडसेंस की अर्निंग है वो होस्टेड अकाउंट में जो है वो कब आएगी और नॉन होस्टेड अकाउंट में कब आएगी। तो गाइज इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि 21 तारीख को ही आती है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि मेरी पहली एडसेंस की अर्निंग आ गई, ऊपर आगे बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि पसंद आया होगा भाई का वीडियो तो लाइक तो कर देना। जय हिंद, जय भारत।